मैं दलित हूँ, दलित का मतलब ही होता है कि जमीनी संघर्ष पे लड़ना, और ये बहुत ही अब मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड की बात है। और मैं अपना भगवान भीमराव अंबेडकर को मानता हूँ, और मेरा एक ही नारा है, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विकास जो नाम है वो शायद या तो किसी बच्चे का नाम है विकास, और या वो पेपरों में छपा हुआ एक विकास है। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो डिमोलिशन की है, जो हमारे भारत में अभी सभी लोग देख भी रहे हैं चल रहा है बुलडोज़र राज। मैं डिमोलिशन नहीं कहूँगा इसको, बुलडोज़र या राज या मोदी सरकार राज, कि उनका जहाँ मन कर रहा है वो तोड़ रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है उनको इलीगल बता रहे हैं, लीगल हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इलीगल बता दिया, हमको नोट आइडेंटिफाइड बता दिया गया है, हम पिछले 15 सालों से इलेक्शंस में वोट डाल रहे हैं उनको इलीगल बता दिया, और सरकारें आज इतनी गिर गई हैं कि हमारे घरों को भी इलीगल बताकर और उन्हें तोड़ना चाह रही हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना कि ऐसा क्यों, जब वोट का टाइम, वोट लेने का टाइम आता है तब सरकारें हाथ जोड़ती हैं, तब हम हर तरीके से लीगल हो जाते हैं, ऑथराइज हो जाते हैं, हम उनके लिए सर्वोपरि हो जाते हैं, हर तरीके से हम उनके लिए महान हैं, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं वो गद्दी पे बैठ जाते हैं, कुर्सी की बात हो जाती है जब, तो वो क्या करते हैं कि कुछ पूंजीपतियों के साथ मिलकर के हम जैसी गरीब बस्तियों को तोड़ते हैं, हम लोगों को उजाड़ते हैं सिर्फ एक डेवलपमेंट के नाम पर, वो डेवलपमेंट जो सिर्फ अभी कागजों के अंदर है और पूरे इंडिया में कहीं दिखता भी नहीं है। क्या दिखता है? एक रोड दिखता है जिस पर इतने गड्ढे हैं कि वहां पर ठीक से कोई गाड़ी भी नहीं चला सकता, और उसी के बगल में दूसरा रोड जबरदस्ती निकालने के चक्कर में कुछ पूंजीपतियों की पार्किंग को बचाने के लिए हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री कहते हैं जहां योग्य वही मकान, वो कहते हैं, मैं आपसे वही चीज बता रहा हूं ना, विकास जो नाम है वो शायद या तो किसी बच्चे का नाम है विकास, और या वो पेपरों में छपा हुआ एक विकास है कि भारत विकास प्रगतिशील देश है, वहां पर विकास हो रहा है, विकास के नाम पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जहां झुग्गी वहां मकान, मोदी जी ने बोला था कि 75 साल अमृत महोत्सव के जब हो जाएंगे, हम जो लोग जहां पर झुग्गी है वहीं मकान देंगे, हर एक गरीब को जिसके पास घर नहीं है उसको घर देंगे। अरे सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं उस सरकार से, हमारे देश के प्रधान से, हमारे देश के एमपी से, हमारे देश के उन तमाम नेताओं से जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, आज आप एक चीज देखिए कि वो किसी बेघर को घर तो कब देंगे, जिनके पास घर हैं उनको भी घरों से उजाड़ रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं, किस नाम पर, कि आप लोग इलीगल हैं, 80% दिल्ली इलीगल है सब जानते हैं, तो क्या 80% दिल्ली को खदेड़ कर यहां से भगाया जा सकता है? और मैं जानना चाहता हूं कि जो पिछले अच्छे दिन है क्या आप लोगों के, ये तो बहुत ही मैं कहूंगा अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन ये जो पहले बेकार दिन थे ना, शायद मोदी जिनको बोलता था कि मेरे देश का वो हर गरीब व्यक्ति जो हवाई चप्पल पहनता है, मैं उसको एरोप्लेन में सफर करता हुआ देखना चाहता हूँ, वो दिन अच्छे होते। लेकिन आज जो इंसान बस से भी जाना चाहता है उससे भी नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि किराया बढ़ा दिया गया है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट। अरे सरकारें क्या अच्छे दिन लेके आएंगी, जो हमारे दिन थे वो भी खराब हो गए, वो तख्ता ही पलट हो गया। कहते हैं ना कि वाइंड इज द चेंज, कि बिल्कुल हवाई चेंज हो गई, हम जहां प्रगति के रास्ते पर चल रहे थे उस ट्रैक से कहीं ना कहीं भटकाकर इस सरकार ने हमें जातिवाद के मुद्दों पर लाकर खड़ा कर दिया। जातिवाद आज हिंदू मुस्लिम में भेदभाव है, आप इस चीज को समझिए कि कल मुस्लिम हमारे देश से खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जातिवाद का मसला यहीं रुकेगा? ये सरकारें जातिवाद के मसलों पर ही अपनी कुर्सी को बचाएंगी। आज मुस्लिम और हिंदू का मुद्दा है, कल मुस्लिम चले जाएंगे, कल दलित का मुद्दा आएगा, यादव का मुद्दा आएगा, बहुत सारी जो कल राजपूतों को लेकर एक जंग छिड़ेगी कि आप राजपूतों, आप दलितों, आप इनसे लड़ो, वो वहां पर फिर जातिवाद के मुद्दे पर लड़ाइयां होंगी और होना कुछ नहीं। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ अडानी का विकास कर रहे हैं, आप देखिए हफ्ते की हफ्ते वो छलांग लगाते जा रहे हैं, सनसेक्स में हो गया या वर्ल्ड के टॉप रिच पीपल्स के अंदर वो नंबर 2 पे, कैसे हमारा देश हंगर इंडेक्स में 117 लोगों की लिस्ट में, देशों की लिस्ट में हम 101 नंबर पे हैं, 101 शगुन का 101, जो कि मोदी ने उपहार में दिया है इंडिया को,
बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे देश में जहाँ पर वहाँ का एक उद्योगपति दूसरे क्या बोलते हैं दुनिया का दूसरे नंबर का रिचेस्ट पर्सन है, वही देश आज हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पे कैसे है और क्यों है, क्या वजहें रही हैं? हमें अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है किताबों में कि यहाँ पर पूंजीपति पूंजीवादी ये सब नहीं चलेगा, ये श्रम प्रधान देश है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। मेरी उम्र मीडिया तो कह रही है मजबूत हो रहा देश। मीडिया आपको आप किस चैनल से हो सर? आप नेशनल मीडिया से नहीं हो? नेशनल मीडिया का कोई चैनल आज आप देखेंगे नेशनल मीडिया की कोई गाड़ी जाती हुई नहीं दिखती, पता क्यों? आज गवर्नमेंट उनको घर में बैठने का पैसा दे रही है, एसी की हवा खाने का पैसा दे रही है। कितने भी नेशनल मीडिया चैनल हो चाहे वो 10 हो चाहे 15 हो, पूरे दिन तो चिल्लाते हैं। वो चिल्लाते किस पे है पता है आपको? वो चिल्लाते हैं उन मुद्दों पे जो बीजेपी के फेवर में होता है, जो आज की सरकारों के फेवर में है, जो उनकी कुर्सियां गर्म कर रहा है बीजेपी। सर मेरे देश के लोग कहते हैं, मेरे भाई बहन मेरे देश के तमाम लोग कहते हैं गौ हमारी माता, गौ हमारी माता। गौ आज पंपी वायरस से मर रही है, लाखों की तादाद में मर रही है। हाँ तो चीते आ गए ना, अभी आपने जैसा मेरे एक साथी का भाषण आपने सुना कि चीते आए हैं किसके लिए? हम लोगों के लिए, जो घास खाने वाले जानवर है ना उनको खाने के लिए। जैसे यहाँ की सरकारें हमारे विकासशील देश की प्रगति को एक अलग ही ट्रैक पे ले गई ना, वैसे ही वो चीते जो है ना वो घास खाने वाले जो जानवर है जिनका कोई दोष नहीं है, एक तो पहले से यहाँ पर उनकी कमी थी और उसके बाद बावजूद यहाँ पर चीतों को एक VIP विमान से लेके आया जाता है जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, और उसके बाद हमारे देश के मासूम जानवर जिसको मारने पर ही का उम्र जेल है। मतलब आप आज की डेट में किसी एक हिरण को मार देते हैं तो आपको जेल हो जाती है, उन हिरण को उन चीतों के लिए छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि ताकि वो उनका पेट भर सके। और आज हमारे देश में यही चल रहा है, गरीब लोग बिल्कुल हिरण की भांति इस देश के अंदर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और ये सरकार मोदी जी का काम से खुश नहीं है। मैं मोदी जी, मैं बीजेपी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है या कहीं की भी गवर्नमेंट है, मैं किसी से खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ वादे करते हैं। दुनिया में तो डंका बज रहा है उनका, डंका इसीलिए तो बज रहा है कि कुछ जातिवाद और भेदभाव मतभेद वाले लोग जो हैं वो लोग क्या बोलते हैं उसे भगवा ये भगवा रंग है वीर जवानों का तो रंग भगवा मैंने आज तक नहीं देखा। मिलिट्री की किसी भी पोशाक पे मैंने भगवा रंग नहीं देखा। वो वीर जवान है हमारे देश के जो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए मरते हैं और दिन रात हमारी सेवा करते हैं। मैंने उनकी वर्दी पर, इवन मैंने उनके किसी मेडल पर भगवा रंग नहीं देखा, और यहाँ आज लोग कह रहे हैं ये भगवा रंग है वीर जवानों का। जवानों से मतलब होता है कि जो हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, जो हमारे लिए मर रहे हैं। मोदी जी ने परिवार त्याग दिया आप लोगों के लिए। अरे मोदी जी का परिवार था ही कहाँ, मोदी जी शुरू से ही क्या बोलते हैं परिवार से दूर रहे। और किसको पता है, क्या आपको पता है? आप देखने गए थे कि मोदी की पत्नी नहीं है, मोदी के बच्चे नहीं है, किसी ने देखा? जब वो सत्ता में है उन्होंने अपनी मूंजवानी बताया। मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मैं अंबानी का पार्टनर हूँ या मैं मोदी के लिए काम करता हूँ, मैं मोदी का राइट हैंड हूँ, क्या आप लोग मान लेंगे? नहीं, ये मोदी की फैलाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। एज अ स्टोरी क्रिएटर तो कोई कुछ भी बोल सकता है। किसी आपने सुना होगा देवी देवताओं के मंदिर बनते हैं, योगी मोदी के क्यों बनते हैं देवी देवताओं के मंदिर? आप योगी सर, आप दलित हैं, आप दलित हैं या कैसे? अयोध्या में योगी का मंदिर बन गया इसीलिए। योगी का मंदिर, वो योगी का मंदिर हो चाहे श्री राम का मंदिर हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आप सभी रिपोर्टर से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग दलित हैं, या आप लोग कितने लोगों को पता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था जिसमें एक गरीब से एक अमीर आदमी तक के लिए लिखा था, और कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे अपने अधिकारों को बचाना है और क्या क्या हमें अधिकार दिए गए थे वो सब उन्होंने लिखा था। तो हमारे लिए, मैं दलित हूँ, दलित का मतलब ही होता है कि जमीनी संघर्ष पे लड़ना, और ये बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड की बात है। और मैं अपना भगवान भीमराव अंबेडकर को मानता हूँ, और मेरा एक ही नारा है, जय भीम जय भारत जय संविधान।